बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पंजाब में एक नया प्रोजेक्ट सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया है, जिसका मकसद जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन कार्ड जो किसानों के लिए, ई बाइक, सोलर पैनल्स, किसान कार्ड, सोशल प्रोटेक्शन, जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके लिए जो अहल खानदान हैं उनकी वेरिफिकेशन करना और उनमें से लोगों को शार्ट लिस्ट करना कि कौन कौन इसका हकदार है। ये तकरीबन आज ही से इसका आगाज़ किया गया है और यहाँ पर काफ़ी न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी इसकी खबर चलाई गई। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि डिप्टी कमिश्नर को सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री की मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया है। सूबे भर में घरों को शुमार किया जाएगा। सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री प्रोजेक्ट में घर घराने का माशी स्टेटस भी दर्ज किए जाएंगे। देहात में मवेशियों की गिनती भी होगी। सूबे भर में 5,000 रजिस्ट्रेशन सेंटर कायम किए गए हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अफराद सोशल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट के हकदार होंगे, तो ये आपको याद रखना होगा कि वही अफराद इसके हकदार होंगे। रजिस्टर्ड शहरी ई बाइक, रोशन घराना सोलर प्रोग्राम, हिम्मत कार्ड, किसान कार्ड समेत दीगर सोशल प्रोटेक्शन, हेल्थ कार्ड, लाइफस्टाइल कार्ड और स्कॉलरशिप प्रोग्राम में भी अप्लाई करने के अहल होंगे। वज़ीरे पंजाब का कहना है कि मुस्तंद डेटा होने से हक हासिल असल हकदार को ही मिलेगा। प्रोजेक्ट में रजिस्ट्रेशन को आसान बनाया गया है। इस पर प्रोजेक्ट से हुकूमत को लोगों के मसाइल हल करने में मदद हासिल होगी। तो इसके लिए लिमिटेड जो है वो ख़ानदानों को सिलेक्ट किया गया है। तकरीबन जो है वो यहाँ पे 63.5 मिलियन अफराद के शिनाख्ती कार्ड की जो है वो डाटा की तस्दीक की जाएगी और सूबे भर के अंदर 5,000 से ज़्यादा सेंटर कायम कर दिए गए हैं जहाँ से आपका डाटा कलेक्ट करेंगे और इनके लिए एक हेल्पलाइन भी दी गई है जिनसे आप रजू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के लिए अहल हैं तो इनके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका नाम है psear.pnjab.gov.pk। और यहाँ पे आने के बाद आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद आपको फुल नेम, CNIC नंबर, नेटवर्क, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये आपको डालने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करना। ये बेसिक चीज़ें हैं, इसे मेरे ख्याल में आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तकरीबन आज के वक्त के अंदर सभी को पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। इसके बगैर तो कोई भी इंसान जो वो अब माशरे में सर्वाइव करने के काबिल भी नहीं रहता। तो आप जब कर लेंगे तो उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो चूँकि मैं ऑलरेडी ही अकाउंट को क्रिएट कर चुका हूं, तो मैं यहां पे लॉगिन करता हूं। यहां पे आने के बाद आपने न्यू एप्लीकेशन इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक बॉक्स ओपन होगा, जिस पर लिखा गया है कि आपसे दरख्वास्त है कि अपने इल्म के मुताबिक तमाम मालूमात बेहतर तौर पर सच्चाई के साथ फराहम करें। अगर रजिस्ट्रेशन सर्वे के तहत आपकी तरफ से फ्राहम करदा मालूमात गलत या झूठी साबित होती हैं तो आपके ख़ानदान को हुकूमत के समाजी तहफ़ या फलाही प्रोग्रामों के तहत कोई भी फ़ायदा उठाना हासिल करने से रोका जा सकता है। तो जो भी आप मालूमात यहाँ पे एंटर करें वो बिल्कुल ठीक और सही जमो डालें। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी फैमिली का जो भी सरबरा होगा, आपकी जो भी बनती है एक FRC होता है, उसमें जो भी आपका फैमिली सरबरा होता है उसकी डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे, उसका CNSE, उसका नाम, उसके बाद सेफ एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा फैमिली रोस्टर, उसके अंदर आपसे नाम पूछा जाएगा, व्हाट इज़ जेंडर ऑफ, जो भी आप नाम इंटर करेंगे यहाँ पे, जिसकी डिटेल इंटर करेंगे उसके यहाँ पे डिटेल यहाँ पे डाली जाएंगी, मेल है, फीमेल है। उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आप यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद उनकी एज कितनी है वो आप डालेंगे, उसके बाद हेल्थ स्टेटस क्या है कि कोई डिसेबिलिटी है तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, येस आर नो, उसके बाद कोई क्रोनिक डिज़ीज़ या कोई दायमी बीमारी है तो वो आप इंटर करके यहाँ पे सेफ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव करने से पहले आपसे एक और बॉक्स आपके सामने आ जाएगा एजुकेशन स्टेटस का, उसके अंदर सबसे पहले पूछा जाएगा क्या कोई सादा और मुख्तसर जुमला समझकर किसी ज़ुबान में पढ़ सकता है, तो आप येस आर नो जो भी करेंगे ये उस शख्स के मुतल्लिक होगा जो कि आपकी फैमिली का सरबरा है, उसका डाटा यहाँ पे आपसे लिया जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा क्या कभी किसी स्कूल या प्री स्कूल कच्ची ACP प्रोग्राम में गया या गई है, तो आपने इस बारे में बताना है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी जुमात या डिग्री प्रोग्राम मुकम्मल किया है तो वो भी आपको यहाँ पर बताना है।
वो आप यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यहाँ पे आ जाता है कि का पिछले माह एक माह में रोज़गार की हैसियत क्या है, तो आपने यहाँ पे बताना है कि बरसरे रोज़गार है, बेरोज़गार है, जो भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। कोई बैंक अकाउंट है तो वो आपने बताना है, और उसके बाद यहाँ पे आपने सेव पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू मेंबर्स को ऐड करना होगा, जो भी आपके बकाया फैमिली के मेंबर्स हैं, जितने भी आपके बच्चे हैं, आपकी वालदा है, जो भी वो फैमिली ट्रीज के अंदर रहते हैं, आपने उन सभी का डाटा जैसे मैंने अभी बताया है इसी तरह उनका डाटा ऐड होगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ली जाएगी, रबते के मालूमात जैसे कि आपका फ़ोन नंबर, वो चीज़ें यहाँ पे आपने डालनी है। उसके बाद आपके एसेट एल इंफॉर्मेशन, आपके असासों की मालूमात, बहुत ही आसान और आसान अल्फाज के अंदर ये सारा फॉर्म मौजूद है, तो ये कोई भी फिल कर सकता है। तो बेसिक चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन आपसे ली जाएगी कि आपके अगर कोई ज़री ज़मीन है, आपके पास कोई मवेशी हैं, तो वो आपसे पूछा जाएगा। कोई उसके बाद मिस सेलिनस, कोई और चीज़ें को रह गई हैं तो वो आपसे पूछी जाएंगी, और एंड पे जायज़ा लिया जाएगा। और जायज़े के बाद आपकी जो है वो दरख्वास्त सबमिट हो जाएगी, एक टीम आएगी, वो आपके घर आके वो आपकी तमाम मालूमात को का जायज़ा लेगी, और उसके बाद जो है वो आपको बता दिया जाएगा कि आप गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम थे जो कि इस वक्त चल रहे हैं, आप उसमें आते हैं या नहीं आते हैं। तो जो लोग गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनके लिए ये जो प्रोसेस है उसको लाजमी करार दिया गया है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। शुक्रिया।